नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार समाचार सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप हमारे चैनल पर हर लेटेस्ट जॉब के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों की ओर। हर स्ट्रीट लाइट का होगा अब नंबर। मार्च तक हर हाल में राज्य के सभी नगर निकायों में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने हाल ही में EESL कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। बीते दिन नगर विकास एवं आवास विभाग के सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने उक्त बातें कही हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि एक महीने के अंदर न केवल 36 नगर निकायों में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया जाएगा, बल्कि बचे 35 नगर निकायों में भी मार्च तक हर हाल में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने आगे यह भी निर्देश दिया है कि निकायों में हर लाइट की नंबरिंग की जाए। इतना ही नहीं, हर एक निकाय में इस बाबत नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी। नल जल योजना में लापरवाह एक और एजेंसी पर गिरी गाज। सरकार की तरफ से किए जा रहे तमाम सख्ती के बावजूद हर घर नल का जल योजना से जुड़ी एजेंसियों की रफ्तार तेज नहीं हो पा रही है। सरकारी कार्रवाई बेअसर है। PHD ने सहरसा की एक ऐसी एजेंसी को विभाग की किसी निविदा में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। इस एजेंसी से जुड़े एक ठेकेदार को हर घर नल का जल योजना के तहत अररिया जिले में 45 योजनाओं का काम मिला था। 31 जनवरी 2021 तक इन एजेंसियों को काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों ने जांच की रफ्तार देखकर तय किया कि निर्धारित समय तक काम पूरा नहीं हो सकता है। अब तक सिर्फ 35 योजनाएं ही पूरी हो सकी है। तारकिशोर प्रसाद ने बिहार में पक्षी पर्यटन को बढ़ावा देने की कही बात। बिहार में पक्षी पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने का उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने ऐलान किया है। इतना ही नहीं, इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, इस बात की भी उन्होंने जानकारी दी है। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में पहली बार प्रवासी पक्षियों की बड़ी मौजूदगी के बीच पहला पक्षी महोत्सव 15 से 17 जनवरी तक जमुई के नागी और नकटी पक्षी आश्रयणी में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी को इसका उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा पक्षी संचेतना केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। वह पक्षियों पर फोकस, एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन और नागी नकटी पक्षी आश्रयणी के प्रतीक चिन्ह का अनावरण भी करेंगे। किसानों को बिहार में मिली राहत। प्रदेश में लाखों किसानों को राज्य सरकार ने राहत दी है, जिसके तहत अब कृषि इनपुट अनुदान के लिए जमीन की रसीद की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद अब सत्यापन के आधार पर भी आवेदन स्वीकृत कर लिए जाएंगे। इसका फायदा प्रदेश के उन किसानों को भी मिलेगा जिनका 2018-19 और 2019-20 में भी रसीद के बिना आवेदन निरस्त हो गया था। कृषि सहकारिता एवं गन्ना विकास मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को कृषि विभाग के उच्च स्तरीय बैठक के बाद इसकी घोषणा की है। अमरेंद्र प्रताप के मुताबिक कृषि विभाग ने निर्णय लिया है कि अद्यतन भूमि लगान रसीद नहीं होने के कारण जिन किसानों का आंदोलन निरस्त हो गया है, वो कृषि इनपुट अनुदान से वंचित रह गए हैं, उनके आवेदन का दोबारा सत्यापन कराया जाएगा। शिक्षा अधिकारियों को 15 फरवरी तक संपत्ति का ब्यौरा देने का जारी किया गया आदेश। सरकार ने शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को चल अचल संपत्ति की जानकारी 15 फरवरी तक देने की बात कही है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार की तरफ से इस आदेश को जारी कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक शिक्षा विभाग के सभी निदेशकों के अलावा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, मिड डे मील के निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम के प्रबंध निदेशक, बिहार बोर्ड के सचिव, संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सचिव, मदरसा बोर्ड के सचिव, संस्कृत एकेडमी एवं सूचना केंद्र के निदेशक को संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा। वारदात के 36 घंटे बावजूद पुलिस के हाथ है खाली। बीते दिनों इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की जान ले ली गई थी, जिसके बाद 36 घंटे गुजर जाने के बावजूद अब तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। इस मामले के लिए SIT का गठन भी किया गया, लेकिन SIT को इस मामले में कोई लीड अब तक हाथ नहीं लगी है। पुलिस को वारदात स्थल से कोई सुराग नहीं मिलने के कारण जांच का दायरा हालांकि बढ़ा दिया गया है। SIT ने अभी इस पूरे मामले के पीछे की मुख्य वजह छोड़ शूटर और लाइनर की तलाश में पूरी ताकत झोंक दी है। दर्जन भर से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। बुधवार देर रात बेहटा में 3 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया था। सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले के पीछे कोई टेंडर विवाद सामने आ रहा है। पुलिस इस मामले का छपरा गोपालगंज कनेक्शन तलाश रही है। 2 टीम इन जिलों में भेजी गई है। रुपेश छपरा जिले के ही रहने वाले थे। 1ली से 8वीं तक के स्कूल 18 से नहीं खोले जाएंगे। राज्य की 1ली से 8वीं तक के स्कूल फिलहाल बंद रहने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार 18 जनवरी से इन कक्षाओं का संचालन नहीं किया जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि 25 जनवरी या उसके एक दो दिन पहले आपदा प्रबंधन समूह की बैठक होगी, जिसमें जूनियर कक्षाओं के स्कूल खोलने के बारे में विमर्श किया जाएगा। इसके बाद ही कोई फैसला होगा। सरकार ने COVID-19 की वजह से 213 दिनों तक स्कूल बंद रहने के बाद बीते साल दिसंबर महीने में कक्षा
9 से 12वीं तक के स्कूल के साथ कॉलेज और कोचिंग संस्थान संचालन की अनुमति प्रदान की थी। उसी दौरान यह फैसला हुआ था कि 4 जनवरी 2021 से कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाएं सरकारी के साथ साथ प्राइवेट स्कूल में खुल जाएंगी। अभी और गिरेगा पारा। बिहार में ठंड एक बार फिर से बढ़ने लगी है। पश्चिम से आने वाली बर्फीली हवाओं की गति तेज होने के कारण राज्य के मौसम का मिजाज बुधवार को भी बदला रहा। तेज बर्फीली हवा के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिली। बुधवार को राजधानी और इसके आसपास के क्षेत्रों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को पटना का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग पटना के अनुसार मकर संक्रांति के दिन यानी कि आज कोहरे और धुंध के साथ सुबह होगी और ऐसा ही सुबह देखने को मिला। लगातार आज सुबह से ही राजधानी पटना समेत कई जगहों पर धुंध का प्रभाव देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आसमान साफ होने के साथ तापमान में और गिरावट होगी। पारा गिरने के कारण अभी भीषण ठंड जारी रहेगी। आज से राजधानी के सभी 16 केंद्रों पर पहुंचेगा कोविड-19 का टीका। कोविड-19 वैक्सीन की 5068 वायल यानी कि 50,680 डोज पटना सिविल सर्जन कार्यालय में पहुंचा दी गई है। इसके अलावा 9,10,000 सिरिंज भी टीकाकरण के लिए जिले को मिल चुके हैं। कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के अनुसार सभी 16 टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। जानकारों की माने तो आज से राजधानी के सभी 16 केंद्रों पर कोविड-19 टीके को पहुंचाने का काम किया जाएगा। हालांकि 16 तारीख से शुरू होने वाले टीकाकरण को लेकर इसमें शामिल टीकाकर्मियों को प्रशिक्षण दे दिया गया है। पहले चरण की 16 टीमों के 80 टीकाकर्मियों को दोबारा प्रशिक्षण दिया गया है। इस दौरान उन्हें वैक्सीन लोड कर लेना, लाभुक से आवश्यक जानकारी लेना, पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने, टीकाकरण के बाद आवश्यक सवाल पूछे जाने सबका प्रशिक्षण दे दिया गया है। सुशील मोदी ने राहुल गांधी पर फिर उठाए सवाल। राज्यसभा सांसद एक भी मौका नहीं छोड़ते राहुल गांधी को निशाने पर लेने का। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से राहुल गांधी को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन एक के बाद एक ट्वीट जारी करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार करने के लिए लागू 3 नए कृषि कानून को वापस लेने पर अड़े किसान संगठन को कानून पर अंतरिम रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अदालत के पहल से बनी विशेषज्ञों की समिति पर भरोसा नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने पूछा कि आंदोलन की खालिस्तानी फंडिंग की बात सामने आने पर भी राहुल गांधी चुप क्यों है, यह बात समझ नहीं आई। शत्रुघ्न सिन्हा ने सरकार को जिद छोड़ने की दी सलाह। शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में सरकार को किसानों को लेकर जिद छोड़ने की नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन ट्वीट पर ट्वीट जारी किया है और कहा है कि सर यह क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, सरकार को अपना घमंड दरकिनार करना चाहिए। लोहड़ी की बधाई देते वक्त यह ध्यान रखने की जरूरत है कि यह आग से खेलने का वक्त नहीं है। क्या 130 करोड़ की आबादी में हमें एक तटस्थ पैनल नहीं मिला? पैनल में चुने गए लोग ही इस विवादित कानून को बनाने में भी शामिल रहे हैं। आपके सलाहकारों को सूचना, जानकारी और ज्ञानवर्धन के लिए एनडीटीवी इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर रवीश कुमार का वीडियो जरूर देखना चाहिए। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सभी केंद्रों पर आज पहुंचाई जाएगी सूची। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। हालांकि वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले ही 300 केंद्रों का चयन कर लिया गया है, जहां आज लाभार्थियों की सूची पहुंचाई जाएगी। इतना ही नहीं, सभी कोल्ड चेन प्वाइंट पर शुक्रवार को टीका पहुंचाया जाएगा, वहीं केंद्रों पर टीका पहुंचाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि अनिवार्य रूप से 14 जनवरी को सभी टीकाकरण केंद्रों पर लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करा दी जाए। इसमें सभी लाभार्थी जैसे स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, स्वास्थ्य पदाधिकारी शामिल होंगे। कोरोना टीकाकरण को लेकर राज्य में 300 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे शुभव सिन्हा के बारे में। शुभव सिन्हा एक प्रवर्तक है जिन्होंने निजी मोबिलिटी बैटरी चलित वाहन विकसित किया है, जिसे पर्सनलाइज्ड मूवर मित्रा कहा जाता है, जिसे भारत के नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 10वें ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था। वाहन एकल व्यक्ति को ले जाने में सक्षम है, जो विशेष रूप से हवाई अड्डे के गलियारों, संस्थागत परिसरों और अस्पताल जैसे विशेष भवनों में उपयोगी माना जाता है, जहां कम ध्वनि प्रदूषण की आवश्यकता होती है। इसे 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक व्यक्तिगत परिवहन के रूप में विकसित करने की क्षमता भी माना जाता है। कपिल शर्मा ने खास अंदाज में अपनी मां का जन्मदिन किया सेलिब्रेट। कपिल शर्मा ने मां का जन्मदिन खास अंदाज में सेलिब्रेट किया है, जिसके तहत कपिल ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो बेटी अनायरा और उनकी मां नजर आ रही हैं। पहली फोटो में कपिल की मां कुर्सी पर बैठी दिखाई दे रही हैं, वहीं दूसरी फोटो में कपिल मां के गाल पर किस कर रहे हैं और बेटी अनायरा दादी की गोदी में बैठी नजर आ रही है। कपिल के इन फोटोज को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है हैप्पी बर्थडे मां। इसके साथ ही उन्होंने हार्ट इमोजी भी शेयर की है। कपिल के इस पोस्ट पर हिना खान,
हाना कुमार, ईशा गुप्ता और ऋचा चड्ढा जैसे सितारों ने कमेंट कर उनकी मां को जन्मदिन की बधाइयां दी हैं। पूर्व क्रिकेटर ने ब्रिस्बेन में टीम इंडिया की जीत को बताया मुश्किल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और आखिरी मैच ब्रिस्बेन में खेला जाना है। वहीं मैच को लेकर पूर्व खिलाड़ी का बयान सामने आया है, जिसके तहत भारत के पूर्व तेज गेंदबाज मदन लाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि चोटों से जूझ रही टीम इंडिया के लिए ब्रिस्बेन में जीत दर्ज करना काफी मुश्किल काम होगा। ब्रिस्बेन एक मैदान के तौर पर काफी अलग है, तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया के लिए काफी चैलेंज होगा। मेरा मानना है कि अगर बुमराह खेलते हैं तो यह टीम के लिए काफी फायदेमंद होगा। भारतीय टीम के सामने काफी सारी समस्याएं हैं, लगभग आधी से ज्यादा टीम चोटिल है, टॉप खिलाड़ी चोटिल है और बड़े खिलाड़ी की कमी जरूर है। इस समय उनके लिए एक प्लेइंग 11 बनाना ही काफी कठिन कार्य लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार चोटिल टीम इंडिया के साथ क्या भारतीय टीम चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।